तो दोस्तों कई बार आप इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं जब कोई चीज़ एक ही आपके पास होती है और उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि बस एक तुम ही तो हूँ मेरे पास, या फिर बस एक यह घड़ी तो है मेरे पास, या फिर बस एक पढ़ाई ही तो है हमारे पास। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले यूज करना है ऑल आई हैव इज। अब जो डैश है, इस डैश में आपको उस व्यक्ति का प्रोनाउन लिखना है या फिर नाम लिखना है जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में आप बोलना चाहते हैं। और इसे दूसरी तरह से भी आप बोल सकते हैं। दूसरा है इसका, अब यहाँ पर जो है इसको आप चेंज करके आगे लिख सकते हो यू आर ऑल आई हैव। तो चलिए मैं आपको इसे एग्जाम्पल्स की हेल्प से और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, बस एक तुम ही तो हो मेरे पास। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ऑल आई हैव इज यू। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। और दूसरी तरह से आप इसे बना सकते हैं यू आर ऑल आई हैव, इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बस एक घर ही तो है हमारे पास। तो इसकी इंग्लिश बनेगी दिस हाउस इज ऑल आई हैव, यानी कि बस ये एक घर ही तो है हमारे पास। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बस एक गाड़ी ही तो है हमारे पास, या फिर बस एक गाड़ी ही तो है मेरे पास। तो इसकी इंग्लिश बनेगी दिस कार इज ऑल आई हैव। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, एक पढ़ाई ही तो है हमारे पास। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।